नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक बधाई। शिक्षक साथियों, आशा है कि आप लोग अपने निष्ठा प्रशिक्षण का मॉड्यूल 1, 2, 3, 4, 5 तथा 6 पूर्ण कर चुके होंगे। यदि आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और मैं आपके समस्या का समाधान करने की पूर्ण कोशिश करूँगा। साथियों, आज 16 नवम्बर 2020 है तथा आज से मॉड्यूल 7, 8 और 9 की पढ़ाई चालू हो गई है और इसके लिए 15 दिन का समय निर्धारित किया गया है, जिसमें प्रत्येक मॉड्यूल को आपको 5 दिनों में पूरा करना है। 7वां मॉड्यूल है स्कूल आधारित मूल्यांकन, 8वां है पर्यावरण अध्ययन और 9वां है गणित का शिक्षण शास्त्र। इसमें प्रत्येक मॉड्यूल को आपको 5 दिनों में पूरा करना है, अतः आप 7वें मॉड्यूल को 20 तारीख तक पूरा कर लेंगे, 8वें को 25 तारीख को तक और 9वें मॉड्यूल को आप 30 तारीख तक पूरा कर लेंगे। इस प्रकार आपका यह मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। आज मैं आपको मॉड्यूल 7 अर्थात स्कूल आधारित मूल्यांकन से संबंधित सभी प्रश्न और उसके गतिविधियों के उत्तर को बताऊंगा। तो चलिए आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। मॉड्यूल 7 विद्यालय आधारित आकलन, या आप इसे कह सकते हैं स्कूल आधारित मूल्यांकन। इसमें सबसे पहले हम लोग गतिविधि के प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें पहला गतिविधि 2 के नाम से है। इसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे और 5 में 5 प्रश्नों का सही सही उत्तर देना आवश्यक है। सही विकल्प का चुनाव करना है आपको। सबसे पहला क्वेश्चन है, सीखने के लिए मूल्यांकन में समग्र पाठ्यक्रम अपेक्षाओं का मूल्यांकन किया जाता है, तो ये बात गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो परीक्षणों और परीक्षाओं, प्रदर्शनियों, उपलब्धि प्रस्तुतियों, सिमुलेशन सीखने के रूप में मूल्यांकन के उदाहरण हैं, तो आपका आंसर होगा नहीं, ये भी गलत है। अगला, स्व मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन कौशल का विकास सीखना के मूल्यांकन में आता है, तो नहीं, ये भी नहीं आता है, ये भी गलत है। सीखने के लिए मूल्यांकन में शिक्षक अपनी योजनाओं को समायोजित करते हैं और सुधारात्मक शिक्षण में संलग्न होते हैं, तो ये बात सही है, अतः आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। शिक्षक और छात्रों दोनों मूल्यांकन के रूप में सीखने में निरंतर प्रगति का निरीक्षण और प्रक्रिया के बारे में समीक्षा करते हैं, तो ये सही है, वे समीक्षा करते हैं। तो यहां मैंने 5 में 5 प्रश्नों का जवाब दे दिया है और मेरा स्कोर 5 में 5 आ गया है। अगला गतिविधि हम लोग देख लेते हैं, ये गतिविधि 6 है। इसमें अपने समझ की जांच करनी है। इसे भी आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। पहला प्रश्न है, शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के कार्य के साथ साथ अपने साथियों के मूल्यांकन के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिए जाने की आवश्यकता है, तो यह बात गलत है, अवसर दिया जाना चाहिए। अगला, क्षेत्र का दौरा, सर्वेक्षण, कार्यकला जैसे मॉडल बनाना, रंगोली बनाना, प्रयोग परियोजनाएं आदि समूह का कार्य की मांग करते हैं और प्रक्रिया कौशल के साथ साथ सामाजिक कौशल का आकलन करने के लिए उत्कृष्ट अवसरों के रूप में उपयोग किया जा सकता है, हाँ, तो ये बात सही है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला, पोर्टफोलियो से माता पिता अपने अभिभावक की क्षमताओं और उनकी रुचियों के बारे में जान सकते हैं, जिनकी वे अनदेखा करते हैं और प्रतिक्रिया के साथ अब वे अपने बच्चों को प्रगति के लिए समर्थन कर सकते हैं, तो हाँ, ऐसा पोर्टफोलियो से संभव है। रूब्रिक्स में गैर लचीलेपन और अनुकुशलता होती है, जो बहुत कम अन्य मूल्यांकन उपकरण के पास होता है, तो बात गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। एक रूब्रिक कई कार्य पर छात्रों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों का एक व्यापक समूह है, ऐसा कोई बात नहीं है, व्यापक समूह नहीं है। अगला,
तो यहाँ 5 में 5 मैंने प्रश्नों का जवाब दे दिया है और मेरा स्कोर 5/5 आ गया है। तो आगे प्रश्नोत्तरी है जिसमें आपसे 10 प्रश्न किए जाएंगे और मैं आपको 10 में 10 प्रश्नों का सही सही जवाब दूंगा। तो प्रश्नोत्तरी हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, गणित में सीखने की अक्षमता का आकलन निम्नलिखित परीक्षणों में से किसके द्वारा उचित रूप से किया जा सकता है? तो आपका आंसर होगा नैदानिक परीक्षण के द्वारा किया जा सकता है। अगला है, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित कर पढ़ती है। एक शिक्षिका, यहाँ शिक्षिका होना चाहिए, एक शिक्षिका कक्षा के कार्य को एकत्रित कर पढ़ती है, फिर छात्रों को जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाते हुए समायोजित करती है, वह कर रही है। तो आंसर होगा सीखने के लिए आकलन कर रही है, वो सीखने के लिए आकलन कर रही है। अगला, सतत और व्यापक आकलन आवश्यक है। सतत और व्यापक आकलन आवश्यक है, क्यों? तो आपका आंसर होगा यह समझने के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकन रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त प्रारंभिक आकलन कार्य नहीं है? तो छात्रों की रैगिंग जो है यह उपयुक्त आकलन कार्य नहीं है, क्योंकि रैगिंग नहीं होना चाहिए। कक्षा में समूह गतिविधियों द्वारा छात्रों में निम्नलिखित में से किसे विकसित किया जा सकता है? तो छात्रों में सहयोग की क्षमता विकसित की जा सकती है गतिविधि के माध्यम से। छात्र अधिकम मानदंड हिस्सा है, यानी बेंच मार्किंग हिस्सा है किसका? तो यह हिस्सा जो है सीखने के आकलन का हिस्सा है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्न में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषता है? तो विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषता योग्यता आधारित गतिविधि है। अगला है, आकलन का उद्देश्य है, आकलन का उद्देश्य है। तो आपका आंसर होगा किसी चीज की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना, आकलन का यही मुख्य उद्देश्य है। निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना, निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना क्या कहलाता है? तो आंसर होगा सीखने का आकलन, सीखने का आकलन कहलाता है। अधिगम का अनुवीक्षक आकलन हिस्सा है, अधिगम का अनुवीक्षक आकलन हिस्सा है। आंसर होगा रचनात्मक आकलन का, रचनात्मक आकलन का। तो यहाँ मैंने 10 में 10 प्रश्नों का उत्तर दे दिया है, 10 में 10 प्रश्नों का उत्तर दिया। अब यहाँ क्या करेंगे, मैं सबमिट बटन को दाबूंगा और देख लूंगा कि मेरा स्कोर क्या है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ मेरा स्कोर 10/10 दिखा रहा है। अब यहाँ एग्जिट पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले मॉड्यूल के साथ और उनकी गतिविधियों के उत्तर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शिक्षकों को शेयर करें ताकि वो लोग भी अच्छे से अपने मॉड्यूल को पूरा कर सकें। ओके, थैंक यू।